नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आजकल DSSSB के एग्जाम चले हुए हैं और कुछ पोस्ट कोड की संस्कृत और म्यूजिक की फाइनल आंसर की आई है, तो उसी के लिए बच्चे परेशान हैं कि हम किस तरह से उनको डाउनलोड करें। तो मैं पहले नोटिस पढ़ता हूँ कि क्या कहता है नोटिस में। तो यह नोटिस है, सब्जेक्ट है इसका फाइनल आंसर की फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT संस्कृत मेल, पोस्ट कोड 116/17, कंडक्टेड ऑन 12/8/2018। ऐसा ही म्यूजिक वाला है, उसमें भी 12/8/2018 को हुआ था। दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्टेड द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT संस्कृत मेल, पोस्ट कोड 116/7/17, विच वाज कंडक्टेड ऑन 12/8/2018। फिर नंबर दो में है, वाइड नोटिस नंबर 100 डेटेड 24/8/2018। DSSB इन्वाइटेड द चैलेंजेज रिलेटेड टू द आंसर कीज थ्रू ई चैलेंज मॉड्यूल ऑफ सेड एग्जामिनेशन। नाउ इट इज नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द ऑब्जेक्शन फील्ड थ्रू ई चैलेंजेज मॉड्यूल हैव बीन कंसिडर्ड एंड चेंजेज हैज बीन मेड इन द आंसर की वेयर एवर रिक्वायर्ड। फाइनल आंसर की आर नाउ अवेलेबल फॉर व्यूइंग इन द ई चैलेंज मॉड्यूल। These answer keys are now final and will remain unchanged for the said post. No further correspondence shall be entertained in respect of the answer key. तो आपकी पहले भी आंसर की आई होंगी, वो आपने उसमें ई मॉड्यूल में आपने उसका करेक्शन के जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि यह सही नहीं है तो उसके लिए आपने भर दिया होगा। जो भी आंसर सही है तो वो DSSB ने कंसिडर किया है, जो आंसर सही है उसको सही किया है, जो गलत है उसको गलत किया है। और अब ये फाइनल आंसर की है, इस पर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते, यह आपकी फाइनल आंसर की है। अब मैं बताता हूँ कि इसको डाउनलोड किस तरह से किया जाए या किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहले जहाँ लिखा होगा ड्राफ्ट आंसर की, तो आपकी आएगी अभी इस पर नहीं है, दिखा रही है जो DSSB की है, तो इस पर आपका होगा ड्राफ्ट आंसर की एंड फिलिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ, इस टाइप से आएगा फाइनल आंसर की। आप उस पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आएगा कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है। तो उसमें आपको आपका एप्लीकेशन नंबर भरना है और डेट ऑफ बर्थ भरना है करेक्ट, फिर जो आपका लॉगिन बटन है नीचे उस पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो प्रोविजनल DSSB आंसर की विल अपियर ऑन योर स्क्रीन और अब आएगी आपकी फाइनल, आपकी जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इफ यू वांट टू सी यू कैन सी, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली यू कैन आल्सो चेक द DSSB आंसर की ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। गो टू आंसर की एट द लेफ्ट साइड ऑफ द होम पेज, ड्राफ्ट आंसर की फॉर हेल्प, जो भी आपका जिस तारीख में आपको हुआ है, फॉलो द प्रोसीजर्स। तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। तो आप जैसे ही DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ आपको लिखा हुआ है जो आपकी की है कि ड्राफ्ट की या डाउनलोड की, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पेज लॉगिन पेज खुलेगा, उसमें आपको आपका अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर नीचे लॉगिन का है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपकी आंसर की आपकी आ जाएगी। यह थी आपकी फाइनल आंसर की को चेक करने का प्रोसीजर, ठीक है। और कोई आपका डाउट है या और कोई जो आप जानना चाहते हैं, प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं हर संभव कोशिश करूँगा आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए। चलिए अभी इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।